Good morning, students. Now today we are here to start our first chapter of class 5th. The name of your first chapter is Eat, Drink and Be Messy. Okay, first of all, what do you understand by the title of this chapter? The title is written here, Eat, Drink and Be Messy. आप इस टाइटल से क्या समझते हो? ये जो फर्स्ट चैप्टर में आपकी जो पोयम दी हुई है, इन्होंने बोला है ईट ड्रिंक एंड मैसी, इसका मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है? ईट, इसका मतलब तो आप समझते हो कि भाई खाना होता है, आपको कोई चीज दे रहे हैं तो आप उसको खाते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? ईट. ड्रिंक मतलब होता है पीना, आप किसी चीज को पी रहे हो. एंड बी मैसी, अब मैसी का मतलब होता है किसी चीज को सही तरीके से ना रखना, गंदा करना. तो वही बोला है उन्होंने, ईट ड्रिंक एंड बी मैसी, कि भाई खाओ पियो और खूब मस्ती करो, हर जगह फैलारा करो और गंदा करो. अब ये इस चैप्टर में ऐसा क्या बोलने जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग क्या करते हैं भाई, इसमें जो हार्ड वर्ड्स और डिफिकल्ट मीनिंग्स दिए हैं पहले इनको समझते हैं. नाउ ओपन पेज नंबर 8, एट द टॉप ऑफ द पेज अ कॉलम इज देयर, बी वर्डी. एक कॉलम दिया हुआ है बी वर्डी, पहले उसको समझते हैं. फर्स्ट थाइम, ए स्मॉल लो ग्रोइंग बुश विथ स्मॉल एरोमेटिक लीव्स. थाइम मतलब क्या होता है? एक छोटा सा पौधा होता है जिसकी पत्तियां कैसी होती हैं? खुशबूदार होती हैं. उसी छोटे से पौधे को हम क्या बोलते हैं? थाइम बोलते हैं. सेकेंड स्नेल, ए स्मॉल क्रिएचर विथ ए कॉइल्ड सेल एंड रेट्रेक्टेबल मस्कुलर फूट ऑन विच इट क्रॉल्स. स्नेल क्या है भाई? एक पार्टिकुलर जानवर है, एक ऐसा एनिमल है जो बहुत छोटा तो है, जस्ट लाइक कछुए की तरह है, और वो कैसा है भाई? पैरों से चलता है, और उसके पीछे पीठ के ऊपर क्या दिया हुआ है? एक शेल दिया हुआ है, कॉइल्ड मतलब गोल घुमी हुई शेप में क्या है? कॉइल्ड है. थर्ड मंच, चुई नॉइजिली. मंच मतलब होता है धीरे धीरे चबाना, किसी चीज को आप आराम से चबाते हो उसी को बोलते हैं मंच. आपने एक टॉफी देखी होगी, मंच नाम से एक टॉफी आती है वेफर्स टाइप, जिसको आप जैसे ही आप खाते हो तो बहुत सॉफ्ट निकलती है, बहुत जल्दी क्रश हो जाती है, वही होता है मंच. चुई नॉइजिली. नेक्स्ट डोज, डोज मतलब होता हैव शॉर्ट लाइट स्लीप, मतलब आपकी थोड़ी बहुत नींद लग जाना, जिसको आप बोलते हो झपकी, उसी को बोलते हैं डोज, मतलब झपकी लग जाना. पूरी तरह से नींद नहीं लगती, लेकिन एक टाइप की नींद होती है कि आप हल्का बहुत थोड़ा बहुत सो जाते हो. नेक्स्ट है डाइन, ये होता है ईट डिनर, मतलब खाना खाना, भोजन करना, उसी को ही बोलते हैं डाइन, और उसी से ही बना हुआ है डिनर. नेक्स्ट है प्लम्पर, प्लम्पर मतलब है फैट फेस्ड, प्लम्पर मीन्स है फैट फेस्ड. फैट फेस्ड मतलब आपका मोटा चेहरा और गोल मटोल चेहरा, आपका चेहरा जो फूल जाता है उसी को बोलते हैं प्लम्पर. एंड लास्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब है डिसीजन, वर्डिक्ट मतलब है डिसीजन, किसी भी चीज के ऊपर निर्णय लेना, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्डिक्ट. तो आइए अपन अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन, पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं. स्नेल इज ए काइंड ऑफ मॉलस्क दैट लिव्स ऑन लैंड एंड इन द वाटर. स्नेल क्या है? स्नेल इज ए काइंड ऑफ एनिमल है दैट लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर, जो कि धरती पर भी रह सकती है और एज वेल एज पानी में भी रह सकती है. मॉलस्क हैव सॉफ्ट बॉडीज एंड ए हार्ड शेल. ये जो स्नेल है कैसी है भाई? सॉफ्ट बॉडी, इनकी बॉडी तो बहुत सॉफ्ट होती है, एंड अ हार्ड शेल, लेकिन इनका जो प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, जो इनकी पीठ होती है ऊपर की, वो कैसी होती है? बहुत हार्ड शेल के मतलब हार्ड होती है, कठोर होती है. जस्ट लाइक आपने देखा कछुआ, कछुआ के जो नीचे के जो पैर हाथ मुंह होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और जो ऊपर उसकी पीठ होती है वो भी कैसी होती है? हार्ड शेल की होती है. द जेंट अफ्रीकन स्नेल इज द लार्जेस्ट लैंड मॉलस्क. और ये जो स्नेल कौन सा एनिमल है? अफ्रीकन एनिमल है, अफ्रीकन स्नेल है, और ये कैसा है?
लार्जेस्ट लैंड मॉलस्क है, सबसे बड़ा लैंड मॉलस्क है जमीन पर रहने वाला। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट अ स्नेल इज दैट, उन्होंने बोला है इस स्नेल की जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, इज दैट ये है कि इट इज कॉल्ड द लेजीएस्ट एनिमल। ये कैसा एनिमल बोला जाता है, लेजीएस्ट एनिमल मतलब आलसी जानवर कहा जाता है इसको। ओके लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। वंस अपॉन अ थाइम लीफ देयर लिव्ड अ लेजी स्नेल हु मंच्ड एंड डज्ड एंड मंच्ड ऑन थाइम ही ब्रेकफास्टेड एंड लंच्ड एंड व्हेन इट केम टू 9:30 ही चूज वंस मोर टू डाइन ऑन थीम। कहने का मतलब है वंस अपॉन ए थाइम लीफ, एक समय की बात है कि एक पेड़ पर खुशबूदार पत्तियां हुआ करती थी। देयर लिव्ड अ लेजी स्नेल, और उसी पेड़ पर कौन रहती थी, स्नेल, वो एनिमल रहती थी, स्नेल रहती थी। हु मंच्ड एंड डज्ड एंड मंच्ड वो क्या करती थी, उन पत्तियों को खाती थी और सो जाती थी, और जैसे ही उसकी नींद खुलती थी वो फिर से उन पत्तियों को खाना स्टार्ट कर देती थी। ऑन टाइम ही ब्रेकफास्टेड एंड लंच्ड, उन्हीं पत्तियों का वो क्या करती थी, ब्रेकफास्ट करती थी और उन्हीं पत्तियों से वो लंच करती थी। एंड व्हेन इट केम टू 9:30 जैसे ही 9 बजे का समय आना शुरू हो जाता था, ही चूज वंस मोर टू डाइन ऑन थीम, वो फिर से एक बार और उसको खाना पसंद करती थी। कहने का मतलब ये है, पॉइंट हमसे ये बोलना चाह रहा है, ये जो स्नेल एनिमल है कहां पर रहती थी, किस पेड़ पर रहती थी, थाइम पेड़ पर रहती थी, एक छोटा पौधा जिसकी पत्तियां खुशबूदार थी और वो उन्हीं पत्तियों को दिन रात हर समय खाती रहती थी, और उसका काम क्या था, उन पत्तियों को खाना और सो जाना, सो के जैसे ही उठती थी फिर से उन्हीं पत्तियों को खाना स्टार्ट कर देती थी। लेटर अपॉन द थाइम लीफ वॉज ए रेदर प्लम्पर स्नेल बट रीडर डियर इज लाइफ वॉज ब्रीफ फॉर दिस इज नो फेयरी टेल। धीरे धीरे जैसे ही उसने उस पत्तियों को खाना स्टार्ट किया, कुछ टाइम बाद जो स्नेल है वो कैसी दिखाई देने लगी, प्लम्पर स्नेल, प्लम्पर मतलब मोटी हुई, बहुत फूली हुई। अब जो प्लम्पर वो कैसी हो गई, पत्तियां खा खा के फूल गई, बहुत ज्यादा ही मोटी हो गई। He ate more and more, वो ज्यादा से ज्यादा खाती गई, मतलब खाती गई, उसने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया, वो पत्तियां खाती गई and grew fatter and fatter, और पत्तियां खाने के बाद कैसी होती जा रही थी, मोटी होती जा रही थी, पत्तियां खाती जा रही है, मोटी होती जा रही है। Until one day, कब तक ये मोटी होती रहेगी, one day he exploded, जब तक वो मोटी होके फूट ना जाए, बैंग उसमें अपने आप में कोई धमाका ना हो जाए, स्प्लैट एंड स्प्लैटर। 1 मिनट ही वॉज देयर द नेक्स्ट ही हैड गॉन, एक बार क्या हुआ, 1 मिनट में ही द कॉर्नर्स वर्डिक्ट ए स्नेल थाइम बम, एक दिन वो 1 मिनट में ही अचानक से धमाका हुआ, जोर से विस्फोट हुआ और एक बहुत जोर से आवाज आई कुछ चीज फटने की, फूटने की। जब वहां के लोगों ने, आसपास के नियर बाय लोगों ने जाके देखा तो उन्होंने क्या देखा, ये भाई कौन फूटा पड़ा हुआ, और आसपास जो स्प्लैटर्स जो छींटे पड़े हुए किसके हैं, कि भाई ये तो स्नेल्स के हैं, किसके हैं, स्नेल के हैं, कि मतलब ये जो स्नेल है वो फूट के क्या हो गई, खा खा के जितनी मोटी हुई थी अब वो अपने आप में फूट गई और ये छींटे स्नेल के हैं। द कोरोनर्स वर्डिक्ट, जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया था, जिन लोगों ने उसके छींटे देखे थे, उन्होंने निर्णय ले लिया कि भाई ये कौन है, ये स्नेल है जो एक बॉम्ब की तरह फूट गई, और उन्होंने उसको नाम दिया ए स्नेल थाइम बॉम्ब। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सिर्फ इस चैप्टर में यही था, इतनी छोटी सी पोयम थी जो अपन लोगों ने समझ लिया। एंड नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। That's it for today. Thank you, students.